लवलीज, मैं हूं आपकी सुदेशना और इस बार फिर मैं आई हूं एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आपके लिए जो है हेयर केयर और स्किन केयर के बारे में। कैसे आप अपने स्किन को ग्लोई, सॉफ्ट और स्मूथ रख सकते हैं और आपके हेयर को शाइनी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सीक्रेट्स क्या है मेरे। तो फ्रेंड्स, देखा गया है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेली हमें फेस वॉश करना है या नहीं, कहीं हमारा फेस ड्राई तो नहीं हो जाता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, दो चीज़ हैं जो कि हमें करना चाहिए। एक है आप डेली फेस वॉश कर सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं है कि आप फेस वॉश करने से आपका ड्राई स्किन हो जाता है या कुछ भी होता है। वॉश करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, एक टोनर यूज़ कर सकते हैं जो कि क्या होता है, आपके जो ओपन पोर्स होते हैं उसको क्लोज करने में हेल्प करता है। तो ओपन पोर्स होने से क्या होता है कि जितने डस्ट, डर्ट और पोल्यूशन के जितने भी पार्टिकल्स हैं हमारे फेस पे चिपक जाते हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना होता है, एक टोनर यूज़ करना होता है वॉश के, एवरी वॉश के बाद। तो फिर क्या होता है, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई टोनर कौन सा लें, कौन से ब्रांड का लें, कौन सा हमारे स्किन में सूट करेगा, कौन अगर कुछ एलर्जी कर लिया तो उसके लिए हमें क्या करना है। मेरा एक फॉर्मूला है, सबसे बेस्ट टोनर है गुलाब जल रोज़ वाटर, जो कि बहुत सारे ब्रांड्स का आता है, आप कोई भी ब्रांड्स ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। बेसिकली हम मोस्टली तो रोज़ वाटर यूज़ करते ही हैं अपने लाइफ में, तो आप रोज़ वाटर को लें और उसको टोनिंग के तरह फेस पे लगाइए। एक स्प्रे बॉटल में डाल दीजिए, बहुत सारे रोज़ वाटर तो स्प्रे बॉटल के साथ ही आते हैं, स्प्रे बॉटल में डाल दीजिए। हर वॉश के बाद फेस पे थोड़ा सा ऐसे स्प्रे कर दीजिए, तो वो आपका टोनर का काम कर गया, सबसे बेस्ट टोनर अगर बोला जाए तो। इसमें मैं एक छोटा सा ट्विस्ट लाई हूँ आपके लिए। तो क्या है, मैं जो रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ, नॉर्मली जो हर कोई रोज़ वाटर यूज़ करता है वही यूज़ करती हूँ, कोई फैंसी सा, कोई बहुत कॉस्टली वाला रोज़ वाटर नहीं यूज़ करती हूँ, नॉर्मल सा रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ। लेकिन उसमें मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा केसर सैफ्रॉन डालती हूँ। देख सकते हैं ये मेरा रोज़ वाटर का बॉटल है, इसमें मैंने, आप देख सकते हैं इसमें मैंने छोटे छोटे स्ट्रिंग्स डाल दिए हैं केसर का। उसमें क्या होता है, केसर एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है जो कि आपके फेस को ग्लो देता है, शाइन करता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको गोरा कर देगा केसर, जो कि सबको सोचते हैं कि हम लोग सैफ्रॉन लगाएंगे गोरे हो जाएंगे, नहीं भाई, हो सकता है, पता नहीं अब मुझे, लेकिन शाइन और ग्लो ज़रूर लाता है फेस पे। तो आप ये रोज़ वाटर में इसको डाल दीजिए, ये इसका कलर ऐसा हो जाएगा। ये मैंने स्प्रे बॉटल में डाला है, एक्चुअल में ये एक रोज़ वाटर का ही स्प्रे बॉटल है जो कि मैं रीयूज़ कर रही हूँ। भाई रीयूज़ कर लो, क्यों प्लास्टिक इतना यूज़ करोगे, एक ही बॉटल लो, ज़िंदगी भर यूज़ करो, जब तक ख़राब नहीं होता ओबियसली। तो इसमें क्या होता है, आप इसको डाल दो और इसको ऐसे स्प्रे कर दो, जबकि जब भी आप वॉश के बाद आते हो। तो ये क्या करता है, बहुत अच्छा टोनर का यूज़ में आता है। तो ये एक अच्छा सा स्मेल भी देता है आपके फेस को, एक अच्छा सा फ्रेग्रेंस आता है और बहुत अच्छा काम भी करता है। तो ये यूज़ करके पक्का मुझे बताइएगा ये आपको कैसा लग रहा है। ये मेरा एक सीक्रेट है, पता नहीं लोग यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, मैं भी यूज़ करते होंगे, लेकिन ये मेरा एक छोटा सा सीक्रेट है। इसको हो गया 2 ईयर्स हो गया मैं यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी ग्लो आता है मेरे फेस में। उसके बाद एक सेकंड चीज़ है जो कि हाँ वॉश के बाद आपको यूज़ करना चाहिए, दैट इज़ मॉइस्चराइज़र, फेस मॉइस्चराइज़र। जब तक मॉइस्चराइज आपके फेस में नहीं होता है तो क्या होता है, वॉश के बाद हमारा फेस ड्राई हो जाता है, तो हमारा फेस जो है वो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है और वो ऑयल की वजह से हमें पिंपल्स होते हैं और बहुत कुछ होते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए।
मॉइस्चराइज़र आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं जो आपको सूट करे। मैं बेसिकली क्या करती हूँ मॉइस्चराइज़र के लिए, एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ। वो एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र का काम देता है और ज़्यादा चिपचिपा नहीं होता है। मुझे चिपचिपे चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ। आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको सूट कर रहा हो, उसको यूज़ कीजिए मॉइस्चराइज़र की तरह एवरी वॉश के बाद। आप फिर देखिए आपका फेस बिल्कुल ऑयल प्रोड्यूस नहीं करेगा और ड्राई भी नहीं रहेगा, पिंपल्स नहीं होंगे और आपका फेस ग्लो भी करेगा। ये दो चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं फेस वॉश के बाद और आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे कि पिंपल्स हुए, एक्ने पिंपल्स या फिर ड्राइनेस इचिनेस कुछ भी नहीं होंगे। ये चीज़ों को ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। और एक चीज़ है जो कि आपको डेली बेसिस पे यूज़ करना चाहिए अपने फेस पे, जो कि है सनब्लॉक लोशन, सनस्क्रीन लोशन। चाहे आप बाहर धूप में जाओ या ना जाओ, एक चीज़ ये है कि आप पक्का यूज़ करो, दैट इज़ सनब्लॉक। आप घर पे भी रहते हो, इंडोर्स रहते हो, तो भी यूज़ करो, क्योंकि जो हम बल्ब्स लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं घर पे, उनमें भी कुछ रेज होते हैं जो कि हमारे स्किन को टैन कर देते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए आप घर पे भी सनस्क्रीन लोशंस लगाइए, डेली लगाइए अगर मेरी मानी जाए तो। मॉर्निंग में जैसे कि आपने वॉश कर लिया फेस को, उसके बाद आपने टोनिंग कर लिया, मॉइस्चराइज़र लगा दिया, उसके बाद लगा लीजिए। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, वॉश कर लिया, टोनिंग कर लिया, सनब्लॉक लगा लिया, उसके बाद मॉइस्चराइज़ कीजिए, ये बेटर रहेगा एक्चुअली। तो उसके बाद आप देखिएगा आपके फेस पे कैसा ग्लो आता है और कुछ भी आपको पिंपल्स या कुछ भी चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ ये है, जिन लोगों की ऑयली स्किन्स हैं उनको नॉर्मली क्या होता है, मॉइस्चराइज़र से भी थोड़े से पिंपल निकल आते हैं क्योंकि ऑयल प्रोड्यूस करता है। तो इसमें क्या होता है, आप एलोवेरा जेल जब लगाते हैं वो चिपचिपा नहीं होता है, वो कोई लोशन टाइप का नहीं होता है, वो जेल होता है। तो उसमें ऑयली स्किन वाले भी लगा सकते हैं जिन पे उनके एक्ने नहीं आएगा। तो ये ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आप पे ये कैसा सूट कर रहा है, आपके फेस पे क्या ग्लो आ रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, ये पक्का कमेंट में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो और एक चीज़ है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं घर पे, चाहे तो आप डेली यूज़ कर सकते हैं, वीकली यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। एक चीज़ आप कर सकते हैं, मैंने आपके साथ जो रोज़ वाटर का फॉर्मूला शेयर किया है, उसको एक फेस वाइप जो होता है, वेट वाइप्स, उस पे डाल दीजिए। ऐसे वाइप्स आते हैं, ये एक नॉर्मल वाइप है जो मैंने मंगाया है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क रहता नहीं है, कोई भी इसमें फ्लेवर्स या कुछ भी रहता है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या कीजिए, एक शीट निकालिए, उस पे वो स्प्रे करिए, फिर क्या कीजिए, उसको अपने फेस पे ऐसे लगा दीजिए वो शीट को। तो ये आपको 10 मिनट्स रखना है, फिर आप देखिएगा कितना फ्रेश आपको लगता है, कितना ग्लोई लगता है आपका स्किन। तो मार्केट में क्या होता है ना, बहुत सारे शीट मास्क और सब कुछ अवेलेबल होता है, तो थोड़े बहुत कॉस्टली होते हैं, आपको में भी कॉस्टली लगे ना लगे पता नहीं, मुझे थोड़ा सा वेस्ट ऑफ मनी लगता है वो। तो उसके जगह पे आप ये वाइप्स ले सकते हैं। ये वाइप्स में क्या कर सकते हैं, वो रोज़ वाटर का, जो सैफ्रन का रोज़ वाटर है, उसको लगा दीजिए अपने फेस पे, लगा दीजिए, 10 मिनट्स रख दीजिए, फिर उसको निकाल दीजिए। इतना फ्रेश लगेगा ना आपको, क्या ही मैं बोलूँ, आप खुद ट्राई करके देखिए कितना फ्रेश लगता है ये। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं सॉफ्ट और ग्लोई स्किन के लिए। ये आप डेली लगा सकते हैं, इसमें कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है, आप डेली यूज़ कर सकते हैं, वीकली यूज़ कर सकते हैं, वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है।
मुझे थोड़ा सा क्या होता है ना, डेली करने के लिए उतना मन नहीं करता है, क्या होता है मैं थोड़ी आलसी हो जाती, तो कभी कभी मैं वीकली कर लेती हूँ, एक एक बार या दो बार कर लेती हूँ, डिपेंड्स मेरे मूड पे। तो आप कभी भी कर सकते हैं इसको, और फिर देखिए ये क्या कमाल करता है आपके फेस पे, करके मुझे बताइए पक्का। अब आते हैं हेयर केयर पे। अब ये मान लीजिए आप शैम्पू कर रहे हैं, इवन इफ आप डेली में शैम्पू करते हैं ना, कुछ भी नहीं होता है उससे। उसके बाद लेकिन कंडीशनिंग कीजिए, अगर आप कंडीशनिंग नहीं करते हैं आपके बाल बहुत ड्राई और फ्रिजी हो जाएंगे। कंडीशनिंग इज़ अ मस्ट। और अब अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि हर शैम्पू से पहले प्री कंडीशनिंग करते हैं ऑयल के साथ, तब तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मैं थोड़ी सी मतलब ऐसी हूँ कि ऑयल लगाती नहीं हूँ, मुझे पता नहीं हेडेक होता है, मे बी आपको हंसी आएगी ये सुन के, लेकिन ऑयल से मुझे थोड़ा सा हेडेक होता है, तो मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ। मैं शैम्पू के बाद कंडीशनिंग करती हूँ, एवरी शैम्पू के बाद कंडीशनिंग करती हूँ, जो कि आपके हेयर को डैमेज नहीं करेगा, शाइन करवाएगा और फ्रिजिंग नहीं करवाएगा, ड्राई नहीं करेगा आपको। तो पक्का शैम्पू के बाद कंडीशनिंग कीजिए ही कीजिए। तो यहाँ पे मैं जो बॉयज़ हैं उनके लिए एक टिप ला रही हूँ। तो क्या होता है ना, बेसिकली हम जब कंडीशनिंग करते हैं तो ऐसे टिप में करना चाहिए, ऐसे टिप से करना चाहिए, रूट में लगाना नहीं चाहिए कंडीशनिंग, तो नहीं तो ऑयली हो जाता है रूट। तो वो बेसिकली क्या होता है, रूट्स पे नहीं लगाते, स्कैल्प में नहीं लगाते। तो बॉयज़ का क्या होता है, बहुत शॉर्ट बाल होते हैं, अगर वो कंडीशनिंग करना चाहेंगे तो स्कैल्प में तो लगेगा ही लगेगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, कंडीशनर को लीजिए, कोम होता है ना, कोम पे कंडीशनर को लगा दीजिए और फिर आपके बालों को ऐसे कोम कीजिए, तो क्या होता है, स्कैल्प में नहीं लगेगा कंडीशनर और आपके बालों में लगेगा। फिर आप नॉर्मली धो लीजिए। ये बॉयज़ के लिए टिप्स था। लड़कियाँ, आपके तो ऐसे ही लंबे बाल होते हैं, अगर शॉर्ट बाल है तो ये ट्राई कर सकते हैं आप, नहीं तो लंबे बाल है तो नॉर्मल आप हम जब जैसे ही कंडीशनिंग करते हैं ना वैसे ही कीजिए, लेकिन कंडीशनिंग इज़ अ मस्ट। अगर नहीं करेंगे फ्रीजी बाल, ड्राई बाल हो जाएगा, उसको कीजिए। और अगर आप चाहें तो कोई सेरम यूज़ कर सकते हैं, जब सेमी ड्राई हो जाता है बाल उसके बाद सेरम यूज़ कीजिए, पूरे ड्राई बाल पे या फिर पूरा ही वेट बाल पे मत यूज़ कीजिए, थोड़ा सा 20% 30% वेट बाल होगा तब यूज़ कीजिए कंडीशन आप सेरम। तो इस पे क्या, सेरम एक लेयर लगा देता है आपके बालों में जो कि फ्रिजी नहीं करता है बाल को। मेरे बाल बहुत फ्रिजी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, तो मैं सेरम यूज़ करती हूँ। आप सेरम यूज़ कीजिए ना कीजिए, कंडीशनर पक्का ही यूज़ कर लीजिए। ये एक चीज़ है जो आप अपने लाइफ में पक्का करिए, हर शैम्पू के बाद कंडीशनर इज़ अ मस्ट, ये पक्का कीजिए। फिर देखिए क्या होता है आपके बाल, कैसा शाइन आता है, क्या होता है, फिर देखिए कमाल उसका। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ स्किन पे, मॉइस्चराइज़र हुआ, सनब्लॉक हुआ, कुछ भी हुआ, और हेयर पे क्या यूज़ करती हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट पे पक्का लिख के भेजिए, उसका भी वीडियो मैं लाऊँगी और आपको बताऊँगी मैं क्या यूज़ करती हूँ, मे बी आप पे सूट करें वो चीज़, तो क्या पता यूज़ कर सकते हैं आप, देख सकते हैं क्या होता है, तो मुझे बताइए। अगर आप जानना चाहते हैं वो सब तो कमेंट पे पक्का बताइए मुझे। और उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है वीडियो को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगे, ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय एंड टेक केयर।